नमस्कार, मैं हूं अनिल साइगल और आप देख रहे हैं खर्चे का फंडा। यहां होगी धन की बात और करेंगे खर्चे पे चर्चा। आज हमारे साथ हैं रियाज। नमस्कार रियाज जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। अच्छा रियाज, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहां रहते हैं, क्या करते हैं? जी, मैं अंधेरी में रहता हूँ। सात बंगला में अपना गैरेज है, अच्छा मैं गैरेज का ही काम करता हूँ। ओके। और सात बंगला में जो गैरेज है वो आपका अपना है या आप वहाँ काम करते जी, हैं? मेरा अपना है तो अभी आपके मन में किसी खरीद को लेकर कोई सवाल है तो बताइए। जी। अभी फिलहाल तो मेरा घर का जो काम होने वाला है वही काम के लिए अपन है। प्लस यहाँ पे जो लेना है तो बाइक लेना है फिलहाल तो। अच्छा, कौन सी बाइक लेना चाहते हो? जी अभी 220 जो है कितने की बाइक है? जी, ये 90। और सेविंग्स आपने की, कितने साल से काम कर रहे हो आप? जी मेरे को मुंबई में आके 8 साल हो गया। वेरी गुड। तो 8 साल में तो आप अपना गैराज चला रहे हो, तो खूब पैसे जोड़े होंगे आपने। जी बिल्कुल तो उसके लिए क्या करना चाहते हो? बाइक के अलावा भी कोई प्लान है आपके? अच्छा जी, मतलब जो गांव में मैं एक घर बना रहा हूँ तो वो भी घर बनाने का, और मेरी फैमिली इधर भी ले आने का। तो आप कहाँ के हो, गांव कहाँ है आपका? अपना कर्नाटक, तो अभी आप वहाँ पे घर बना रहे हो ऑलरेडी या बनाना चाह रहे हो? मतलब ऑलरेडी बनाना चालू है। अच्छा, चालू है। ओ गुड गुड। तो आपके पास पैसे जुड़े हुए हैं, बाइक के आपने अलग रखे हुए हैं या कुछ उसमें शॉर्ट हो रहा है? थोड़ा बहुत कम है, उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा जी। इधर अच्छा, तो आप बाइक के लिए रुकना चाहते हो या एकदम लेना चाहते हो? रुक के लेना चाहता हूँ अभी 1 मंथ के बाद। रुक के। तो 1 मंथ में आप उतने पैसे जोड़ लोगे जो कम हो रहे हैं? जी बिल्कुल जी। घर में आपके पास जैसे कितने पैसे हैं इस टाइम और कितने लगने हैं घर पे इस अभी समय? कितने तो पैसे जुड़े टोटल हुए हैं एग्जैक्ट आपके तो पास 25 लाख्स इस है समय, अभी। और घर पे कितने लग जाएंगे इसमें से? कम 13 लाख रुपए तो घर पे लग जाएंगे तो फिर आपके पास तो बाइक के पैसे हैं, आप क्यों कह रहे हैं महीना और जोड़ूंगा? वो तो, बट अलग है ना, घर के लिए ना वो। वो घर और के हाँ, लिए। और सारे उसमें काम है घर के। अच्छा, तो वो सब के सब आपने एलोकेट किए हुए हैं घर के जी, लिए, सिर्फ ओनली तो घर के बाइक के लिए आप अभी सेव करके सेव करना कर रहे हैं चाहते अभी हैं। ये अपन। आपका बहुत अच्छा ख्याल है, बाइक के लिए सेव करके कीजिए, और हर सेविंग जो आप करते हैं बांट करके एलोकेट करके ये बेस्ट करते हैं। तो घर पे आपके कौन कौन है? जी, हम लोग 4 भाई हैं, एक बहन है, मॉम डैड है। भाइयों को पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? जी पढ़ रहे अभी, पढ़ जो रहे और एक हैं। भाई का भाई जो है वो भी गैरेज चलाता है गांव में अच्छा, जी। तो उसमें आप सब लोग एक साथ हो या सब अपना अपना काम करते हो? सब अलग अलग, सब वो अलग अपना अलग। करेंगे, मैं अपना, डैड अलग अच्छा करते हैं, और बाकी के अच्छा जो भाई और बहन है वो भी स्कूल पढ़ते हैं तो जो घर आपका वहाँ पे है वो आप अपने लिए बना रहे हैं, जी। मतलब फैमिली के लिए पूरा, अपने पूरी फैमिली के जी लिए पूरे बना रहे हैं। फैमिली के लिए, तो एक तरह से आप साथ भी हैं और अपना अपना काम भी अपना काम करते भी हैं। करते हैं। तो बहुत बढ़िया आपका विचार है, लीजिए भाई। जब आपने इतने साल मेहनत करके पैसे जोड़े हैं तो उसको खर्चिए अपने शौक पर। शौक है या जरूरत है? शौक नहीं, जरूरत है सर। जरूरत है आपको, थोड़ा शौक भी है, बाइक का तो शौक सबको होता है। जी चलिए, बहुत बढ़िया है, आपने 25 लाख जोड़े हैं जिसमें से 13 लाख आप घर पे लगाना चाहते हैं, 12 आपका फिर घर के लिए ही प्लान है कुछ जी करने का, और 90 हज़ार में से आपके पास कुछ कम है। जी तो आप 1-2 महीने वेट कीजिए, सेविंग्स में से ही लीजिए। जी उधार में आप बिलीव नहीं करते हैं ना, बैंक से जी लेना वेना में नहीं नहीं जी बहुत अच्छा करते हैं, उधार में बिलीव मत कीजिए, अपनी सेविंग से कीजिए जी और ज़रूर बाइक लीजिए और उसे इंजॉय कीजिए। और आपके पास कोई प्लान हो जिसको आप डिस्कस करना चाहें? आपने तो पूरी लाइफ सॉर्ट आउट की हुई है, अच्छा किया हुआ है। आजकल आपके जैसे यंग लोग कम हैं, पैसे खर्चने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बचाने में कम। तो आप एक अच्छा एग्जाम्पल हो सब देखने वालों के लिए कि भाई पैसे अपने बचा के रखो तो सब कुछ कर सकते हो, घर भी बना सकते हो, बाइक भी ले सकते हो, सब हो हर चीज़ सकता है। अपने, वेरी गुड। सबसे पहला पैसा कमाई, सबसे पहले कमाइए और बचाइए, हम बचाए सब उड़ा दिया तो कोई फायदा नहीं। जी बिल्कुल। तो थैंक यू रियाज, आप हमारे पास आए, आपने बात की हमसे और शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, थैंक यू। और जाने से पहले आज का फंडा, जैसे आपके अलग अलग आर्थिक लक्ष्य हैं वैसे ही बचत के माध्यम भी अलग अलग रखें।